कोतवाली थाने की पुलिस ने गैलेंट कंपनी में कार्यरत कर्मचारी द्वारा कंपनी का सामान लैपटॉप लेकर भागने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को विजय चौराहा से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रामनाथ झा पुत्र स्वर्गीय योगेश्वर झा निवासी ग्राम देहरो पोस्ट बेनीपुर थाना बहेरा जनपद दरभंगा बिहार हाल पता एक्सटेंशन द्वारिका सेक्टर थाना पालम दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के रूप में हुई है, जिसके पास से एक लैपटॉप एक चार्जर को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि वादी मुकदमा शुभम भारद्वाज पुत्र पुरुषोत्तम प्रसाद निवासी पादरी बाजार थाना शाहपुर गोरखपुर के को 8 सितंबर को अभियुक्त जो कि आवेदक के फर्म पर ऑडिट का कार्य करता था, जहां से मोबाइल लैपटॉप व 50,000 रुपया लेकर चला गया था और मांगने पर रुपये वापस ना करना व संपर्क के सभी नंबर को बंद कर लिया था, जिसके संबंध में कोतवाली थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कोतवाली थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक अजीत कुमार चतुर्वेदी, कांस्टेबल मुरारी यादव, राजू कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, एक आदमी लेके आ जाइए, इधर आइए। आज जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना कोतवाली द्वारा एक ऐसे शातिर बदमाश को पकड़ा है जो कि गैलेंट कंपनी में पहले काम करता था। उसने गैलेंट कंपनी में काम करते हुए एक वहां की कंपनी के लैपटॉप को चुराया और उसके साथ साथ गले में से जो पैसे थे करीबन 50,000 के करीबन पैसे बताए जा रहे हैं वो भी उसने उसके साथ चुराए और बाद में उसने लैपटॉप से जितनी भी उसमें जो भी सूचनाएं थी उसको भी निकाल के उन्होंने उसके साथ भी उनको खुर्दबुर्द किया है। इस तरह के अपराधी को खिलाफ 408 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कि अमानत में ख्यानत न्यास भंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के में भी आता है और एक कोई व्यक्ति सर्वेंट या फिर जिसको अथॉरिटी ऑर्डर की जाती हो उस व्यक्ति द्वारा अगर किसी प्रकार का क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जाता है तो उसके खिलाफ इस धारा में मुकदमा दर्ज कर आज उसको थाना कोतवाली द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इन्होंने एक थिंक पेड कंपनी जो कि कंपनी का जो लैपटॉप था उसको उन्होंने चुराया और उसके साथ में जो है पैसे चुराए हैं। थाना कोतवाली द्वारा आज उस लैपटॉप को भी बरामद किया है और उसको फॉरेंसिकली एग्जामिन किया जाएगा कि उसने पिछले दिनों में क्या क्या चीज़ें उससे एक्सट्रैक्ट की हैं और गैलेंट कंपनी की किस किस प्रकार की सूचनाएं हैं वो उसने विभिन्न लोगों को प्रदान की है, जिससे कि कंपनी का किसी प्रकार का ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ब्रीच ना हो। ये व्यक्ति इसके बारे में पता किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि लगभग कम से कम एक साल से वहाँ काम कर रहा था। थैंक यू।